क्वेश्चन नंबर फोर्थ सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई जितना सॉल्व कर सकते हैं। 21 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए जी, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसमें क्या था, ब्रैकेट दिया हुआ था, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते थे। लेकिन अब आप याद रखना एक चीज़ होती है, ये आपको पता होगी, जिसको हम बोलते हैं ये बॉट मास, ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट ओपन, मतलब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस को, सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे थे, उसको ओपन कर रहे थे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको डिवाइड करना पड़ता है, मतलब जैसे ये आ गया, इसमें देखो मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, ये सबट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सबट्रैक्शन। तो अगर एडिशन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, सबट्रैक्शन पे आ जाएंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, ये बॉड मास याद कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट तो ओपन है पहले से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है डी से, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो इसकी डिवाइड करेंगे तो 21, ठीक है। अब इसको इसको मैं डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, इसको और इसको। तो देखिए माइनस 12, ये डिवाइड वाला नीचे आता ना, ये 3 ऐसे ही आता है, मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख दिया, पहले डिवाइड वाला सॉल्व करो, 3 4, 21 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड के बाद क्या था हमारा, मल्टीप्लाई है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 4 टू ज़ा या 2 4 ज़ा 8 और माइनस है तो माइनस का 8, डिवाइड के बाद क्या था, मल्टीप्लाई के बाद क्या था, एडिशन, एडिशन तो है ही नहीं, फिर क्या, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन कर देंगे, 21 में से 8 गए तो इसका आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेकंड, देखिए क्या है हमारा, माइनस 1 प्लस माइनस 8 डिवाइड माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, ठीक है। क्या था हमारा, वो बॉड मास, ठीक है। चलिए तो क्या तुम्हारा बॉड मास, देखिए ये जो हम बोलते हैं ना ब्रैकेट ओपन, ये समझा देता हूँ ये कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा, 5 + 2 + 3 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि देखो ये आप प्लस माइनस सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, आप बोलोगे तो आप प्लस कर रहे हो, सब में प्लस है, आप बोलोगे आप तो पहले प्लस कर रहे हो, नहीं मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवाइड हो, पहले मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट ओपन का मतलब है 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10 और 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, 14/2 आंसर आ गया 7, ऐसे। ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रैकेट ओपन, ठीक है। चलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप, यहाँ से आपको डी वाला ही रूल लगाना है, क्योंकि ये देखो एक ये नंबर ब्रैकेट में है, ये नंबर ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो हम डी से लगाएंगे, माइनस वन की जगह माइनस वन लिखेंगे, जैसे वैसे लिखते चलिए, प्लस माइनस 8, ठीक है, डिवाइड और ये माइनस 4 ऐसे ही था, माइनस 2 मल्टीप्लाई और ये माइनस 2। अब देखिए माइनस से माइनस कर दिया, 4 × 2 = 8, ठीक है। सो माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में 2 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब इसको करेंगे सॉल्व। सो माइनस 1 प्लस, अब ब्रैकेट को हटा दो या ना हटाओ आपकी मर्ज़ी, मैं हटा रहा हूँ 2, इसको करेंगे 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस। अगर दो माइनस के नंबर को प्लस करते हैं, सॉरी दो माइनस के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 2 = 4 और मल्टीप्लाई कराए हमने दो माइनस के नंबर को, तो प्लस बन जाता है, तो प्लस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या था हमारा, एडिशन था, तो एडिशन कर देंगे, पहले ये होगा एडिशन, ठीक है, इसको। सो माइनस 1 4 + 2 = 6 + 6, उसके बाद क्या है, सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन कर दीजिए। अब एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो आ जाएगा हमारा 5 आंसर, ठीक है, 5 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट
फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच डॉट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू माइनस थ्री। देखिए जी, हमें दिया हुआ है ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू माइनस थ्री। हमें लिखने हैं फाइव पेयर्स, कितने लिखने हैं फाइव पेयर्स, ठीक है। फाइव पेयर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए बी हो गया एक पेयर, ए बी दो पेयर, ए बी तीन पेयर, ऐसे में पांच लिखने हैं और ए और बी की जगह कोई उसकी वैल्यू निकाल के लिखनी है इस तरीके से कि आंसर माइनस थ्री आ जाए। इसने दिया भी हुआ है वन सच पेयर इज माइनस ट्वेल्व और फोर। देखिए हमें ऐसा कुछ लिखना है, हमें ऐसा कुछ लिखना है कि हमारा आंसर कितना आ जाए माइनस थ्री। जैसे इसने दिया हुआ है, मैं एक वो पेयर उसको मैं इसने दिया हुआ है, मैं अलग से पाँच लिखूंगा, लेकिन जो इसने दिया पहले मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। देखो माइनस बारह चार है ना, जैसे लिखा हुआ है माइनस बारह चार, तो जो पहले लिखा हुआ है वो ए होगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो बी होगा। तो देखो ए की जगह क्या लिखा है माइनस बारह डिवाइड, बी की जगह क्या है चार, ठीक है। ये कितना है हमारा इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो देखो माइनस बारह डिवाइड मतलब चार इक्वल्स टू माइनस थ्री, सो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, सो माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री। सेम आ गया ना, इस तरीके से आपको ढूंढना है। तो देखिए एक हम ढूंढते, इसलिए तो इसने लिख दिया, अब एक हम ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखोगे, यहाँ पे टू से स्टार्ट करते हैं, अगर आपने यहाँ पे टू लिखा, ठीक है, तो फिर किससे डिवाइड करोगे टू सो की थ्री आ जाने, थ्री लिखा तो थ्री को किससे डिवाइड करोगे कि माइनस, हाँ थ्री में हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आपने लिखा है थ्री, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है थ्री, तो या तो माइनस थ्री कर दो और डिवाइडेड बाय वन कर दो, इसका आंसर देखो यही आएगा माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वन इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो कितना आ गया माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो एक तो मेरा ये बन गया पेयर, तो पेयर ये मेरा पेयर क्या इतना हो गया माइनस थ्री और वन, एक पेयर तो मेरा ये हो गया, ठीक है जी। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, थ्री को मैंने प्लस का लिया है और माइनस वन को मैंने किसका लिया है, सॉरी वन को मैंने माइनस का लिया है इक्वल्स टू माइनस थ्री। इसका आंसर भी देखो ये आएगा थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री, इसे डिवाइड करोगे तो माइनस थ्री वन ऊपर चले जाएगा, माइनस ऊपर चले जाएगा माइनस थ्री, ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया मेरा थ्री और माइनस वन, ये दोनों डिफरेंट पेयर हैं, माइनस से बहुत फर्क पड़ता है, यहाँ पे नंबर सेम दिख रहा है मगर डिफरेंट पेयर है, ये माइनस थ्री है ये थ्री है, तो दो पेयर हो गए मेरे ऐसे ही। चलिए अब मैं दूसरे और निकालता हूँ, दो और निकालता हूँ ऐसे ही, ठीक है। थ्री के बाद आ जाते हैं फोर पे, फोर लिखूंगा तो किससे डिवाइड करूँगी माइनस थ्री आएगा नहीं आएगा, फाइव में फाइव लिखूंगा तो किससे डिवाइड करूँ नहीं आएगा, सिक्स लिखूंगा तो टू से डिवाइड करने पर आ जाएगा, हाँ तो इसकी जगह लिखा सिक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस टू इस तरीके से इक्वल्स टू माइनस थ्री। सो माइनस टू से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सिक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो डिवाइड करोगे थ्री आएगा माइनस ऊपर जाएगा, माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो कितना हो गया इसमें सिक्स और माइनस टू। उसी तरीके से एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका उल्टा कर दूंगा मैं, उल्टा क्या करूँगा मैं, सिक्स को मैंने माइनस का ले लिया डिवाइडेड बाय मैंने टू ले लिया इक्वल्स टू माइनस का थ्री, सो माइनस सिक्स ये टू इक्वल्स टू माइनस थ्री, टू थ्री ज़ा, सो माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री हो गया सेम। तो इसमें क्या हो गया माइनस का सिक्स और टू, तो चार हो गए हमारे। एक और लिख लेते हैं बस, ठीक है। अब सिक्स के बाद आ जाते हैं हम सेवन पे, सेवन नहीं होगा, एट पे आ जाते हैं नहीं होगा, ठीक है, नाइन पे आ जाते हैं नहीं होगा, नाइन को किससे डिवाइड करोगे कि थ्री आ जाए नहीं होगा, उसके बाद अब आ जाते हैं टेन पे नहीं होगा, इलेवन पे नहीं होगा, ट्वेल्व पे इसने दिया हुआ है, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन पे होगा, फिफ्टीन डिवाइड बाय फाइव, ठीक है, सॉरी ये माइनस फिफ्टीन ले लो, ये माइनस थ्री, सो माइनस फिफ्टीन अपॉन में फाइव इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो डिवाइड करो, सो माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो कितना हो गया माइनस फिफ्टीन और फाइव, तो हमारे पाँच पेयर बन गए हमारे पास, ठीक है। चलो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, वेरीफाई डेट, हमें वेरीफाई करना है क्या, ए डिवाइड बी प्लस सी, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, क्या बोलते हैं नॉट इक्वल, ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी, ठीक है, ये हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। देखिए इसको बोलते हैं इक्वल, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
ये हो गया इक्वल का एग्जांपल, ये हो गया नॉट इक्वल, टू और थ्री इक्वल थोड़ी होते हैं, ये एग्जांपल होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए पहला पार्ट दे रखा है इसने हमें, ए हमारा कितना है 20 है, बी कितना है हमारा माइनस 2 है, सी कितना है हमारा 4 है। कैसे करेंगे, सिंपल ये है ना, तो लिखिए देखिए ए की जगह लिखेंगे आप 20, डिवाइड की जगह डिवाइड ब्रैकेट, बी की जगह लिखेंगे आप माइनस 2 प्लस, सी की जगह लिखेंगे आप 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ए की जगह दोबारा 20 डिवाइड, बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस 2। अब तो माइनस 2 यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा क्योंकि डिवाइड आ गया, तो एक साथ ऐसे आता है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मर्जी थी लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से लगा दिया, ये वाला था ना हमारा ए, ये हो गया। अब ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि दो ब्रैकेट एक साथ नहीं आते, ऐसा ब्रैकेट आता है। प्लस ए कितना है मेरा 20 और सी कितना है मेरा 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को बॉड मास याद रखना। ठीक है, क्या बॉड मास, ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट के अंदर जो होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। डिवाइड माइनस 2 प्लस 4 तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, प्लस का नॉट इक्वल, पहले क्या करेंगे 20 माइनस 2। अच्छा ये यहाँ पे भी है ना, एक ये ऐसे हो गया था हमारा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ऐसा वाला ब्रैकेट नहीं था, चलिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए ये देखिए 20 है माइनस डिवाइड बाई 2 है, तो कैसे करोगे आप 20 माइनस 2 ऐसे करोगे ना, यही होगा हमारा। प्लस यहाँ पे कितना है 20 माइनस 4 ऐसे करोगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखोगे 20 बाय 2 नॉट इक्वल, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे, ये कितना है मेरा प्लस का है, ये देखिए कितना आएगा 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा तो माइनस का 5 ऐसे लिखेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो 10 इक्वल्स माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 5, सो 10 नॉट इक्वल माइनस 15। देखिए हो गया हमारा वेरीफाई, हमें ये वेरीफाई करना था, सेम सेम नहीं आना चाहिए, बस यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे माइनस 15 आया। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ए हमें दिया हुआ है माइनस 8, बी हमें दिया हुआ है माइनस 1, सी हमें दिया हुआ है 2। सिंपल है, ए की जगह डालेंगे माइनस 8 डिवाइड ब्रैकेट में, बी की जगह डालेंगे माइनस 1 माइनस 1 प्लस, सी की जगह डालेंगे 2। ठीक है, नॉट इक्वल, ए की जगह क्या डालेंगे माइनस 8 डिवाइड, बी की जगह माइनस 1 ब्रैकेट। ठीक है, फ्री वाला बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए की जगह डालेंगे हम, ए की जगह माइनस 8 और डिवाइड, सी की जगह डालेंगे 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस 8 डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इसको माइनस 8 और ये डिवाइड में माइनस 1। ठीक है, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 8 डिवाइड में 2, इसको ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो एक दो साइन, दोनों साइन एक साथ आ गए, तो माइनस से माइनस कर दिया। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 8 और डिवाइड बाय 1 नॉट इक्वल है, ये कितना हो गया, तो कट गया 1, तो नीचे होता नहीं है कुछ, 8 2 4 जा 8 सो प्लस माइनस 4। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो माइनस 8 नॉट इक्वल 8 प्लस माइनस माइनस 4, सो माइनस 8 नॉट इक्वल कितना आ गया 4, है ना। तो एंड में लिख देना वेरीफाइड, पहले में मैंने लिखा नहीं था शायद, ये लिख देना एंड में वेरीफाइड। ठीक है, चलिए।